स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के लिए ये सफ़र अब और कठिन होता जा रहा है। अनुज ने अनुपमा को दोषी डू ठहराया है। अनुज का मानना है कि उसने अनुपमा को चुना और इसीलिए उसकी बेटी आद्या उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो जिंदा है भी या नहीं इस बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है। ये बात जब अनुज सबके सामने अनुपमा से कहता है तो अनुपमा एकदम टूट जाती है। अनुज अनुपमा को जिम्मेदार ठहराते हुए ये बात कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं चुना होता तो मेरी बेटी आज मेरे साथ होती। अब तो मैं जानता भी नहीं कि आद्या कहाँ है। अनुपमा सब कुछ सुन सकती थी लेकिन शायद ये सुनना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा दुख देने वाला था। जिसके बाद अनुपमा ये बात अपनी दोस्त देविका से भी शेयर करती है। अनुज के बारे में वो उससे सब कुछ कहती है कि तभी अनुपमा को ये पता चलता है कि अनुज लापता है। अनुज अपने कमरे में नहीं है। बात करते करते ही अनुपमा को ये बात पता चलती है और उसके होश व हवास एक बार फिर से उड़ जाते हैं। आद्या की याद में अनुज फिर से घर छोड़कर कहीं जा चुका है। अब अनुपमा अनुज को ढूंढेगी, हर जगह खोजेगी और हमें उम्मीद है कि अनुज उसे मिल भी जाएगा। लेकिन अब इसी तरह दिन पर दिन अनुपमा के लिए हर एक दिन इसी तरह मुश्किल होने वाला है। और जब अनुपमा अपनी बेटी आद्या को खोज लेगी तभी उसके मन को तसल्ली मिलेगी। अभी तो वो ये भी नहीं जानती कि आद्या जिंदा है और एक हॉस्टल में है। अनुज को भी इस बात पर तभी यकीन आएगा। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।